चलो 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 आ गए हैं। और तो बहुत सारे नया नया एग्जोटिक बर्ड्स हम लोगों का नया फार्म के लिए, हम लोगों का एक्चुअली जो नया फार्म बन रहा है वहाँ के लिए सारे बर्ड्स आ गए हैं। सारे नहीं, और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन फिलहाल यही सारे बर्ड्स आए हैं। इकलेक्टस का एक पेयर, अमेजन का एक पेयर, अफ्रीकन ग्रे का एक पेयर और दो ग्रीनिंग मकाओ, और यहाँ एक मोलकन कोकाडुका फीमेल। हाँ अच्छा ठीक है, तो मतलब इन लोगों को तो अलग अलग सेपरेट सेपरेट केज में रखना होगा, और जो ग्रीन विंग मकाओ है इन लोगों को छोड़ेंगे, छोड़ देंगे इस ओपन एवियरी में। ओए क्या कर रहे हो? नहीं अच्छा ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन किसी के साथ कोई कुछ नहीं होगा, एकदम आराम से, ठीक है ना? चलो खोलते हैं, कोई लड़ाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ तो। नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ ओए क्या हुआ? कोई लड़ाई नहीं होगा, आ जाओ। नहीं तुम इतना बदमाशी क्यों करते हो? आ जाओ। एक्चुअली ये लोग छोटा सा केज में रहते थे, तो एक्चुअली ये लोग छोटा सा केज में रहते थे, तो बहुत दिन छोटा सा केज में जब कोई बर्ड रहता है तो फर्स्ट टाइम फ्लाई करने के लिए एक दो दिन तो ले ही लेते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मतलब हैवी केटेड नहीं रहता है, छोटा सा केज में पंख से इसे फैला नहीं सकते हैं, मतलब फ्लाई करने का कोई, हाँ वो देखो तो फ्लाई कैसे करेंगे ना, तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, लेकिन धीरे 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 फ्लाई करना सीख जाएगा। चलो आ जाओ, ये हम लोगों का फीमेल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? हाँ अच्छा ठीक। ओए आ जाओ आ जाओ। वाओ नहीं कुछ नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ। ओए छोटा सा केज में रहता था तो इसी के लिए लंबा उड़ान तो अभी लगा नहीं पाएगा, लेकिन दो चार दिन पाँच दिन के बाद देखिएगा एकदम बहुत खूबसूरती से, इतना बड़ा एवियरी है, उस साइड से इस साइड पूरा लंबा फ्लाई लगाएगा। तुम चढ़ गए, वो मेल है और ये फीमेल है, देखो आ जाओ आ जाओ। ओ ये ब्लू गोल्ड मकाओ और ये ग्रीन विंग मकाओ, और ग्रीन विंग मकाओ मतलब सेकेंड लार्जेस्ट मकाओ इन द वर्ल्ड। नीचे तुम क्या कर रहे हो? मंका जाओ। और ये लोग तो फ्लाई कर पाते हैं, लेकिन बहुत दिन से जब कोई बार छोटा सा केज रहता है तो फिर से उड़ान लगाने के लिए बड़ा सा स्पेस में थोड़ा सा टाइम लेता है, दो चार दिन पाँच दिन के अंदर तो पूरा फ्लाई फिर से शुरू कर देगा। और बहुत सारा स्मॉल, ओ क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा 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 ठीक है। और स्मॉल बर्ड्स बहुत सारा हो गया है इस एरिया के अंदर, जैसे कॉर्नियोर, सनकॉर्नियोर, स्पाइनल कॉर्नियोर, येलो साइडेड, ब्लैक कैप वगैरह वगैरह, मॉन्क कैप भी बहुत सारा है। इन सबको जो करेंगे सेपरेट केज में कर देंगे, तभी जैसे बाकी का सारे बड़े बर्ड्स यहाँ आराम से रह पाएंगे, नहीं तो साइज का हिसाब से, एरिया का साइज का हिसाब से बर्ड्स का क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और बाकी इन सबको इकलेक्टस को छोड़ दे, लड़ाई ओ बदमाश, चलो पैर में काटने के लिए आ गया, वहाँ भी वो बैठ गया, अपने फेदर पंख साफ करने में बिजी है। और ये तो मेल है, और मेल का जो साइज है ह्यूज साइज, जायंट साइज का है, दो चार दिन पाँच दिन के बाद जब एक बार नहा लेगा उसके बाद इन लोगों का ओरिजिनल असली जो गेटअप होता है वो निकल के बाहर आएगा। चलो यहाँ बैठो तो मंका। ये दोनों अफ्रीकन ग्रे को भी छोड़ देंगे। क्या हुआ? हाँ आओगे अंदर? ठीक है आ जाओ आ जाओ। संजय सारे सनकॉर्नियर्स को पकड़ के ना सुपर केज में करना है। नहीं नहीं अरे यार क्या कर रहे हो तुम? जाओ। और यहाँ पहले से हम लोगों का एक अफ्रीकन ग्रे है, तो उसी के साथ इन दोनों को भी रख देंगे, लेकिन बगल में ये जो है ब्लू हेडेड पायनियर, ये लोग बहुत खतरनाक है, लड़ाई तो नहीं करोगे ना, मतलब उस साइड में नहीं जाना है तुम लोगों को। चलो बहुत टाइम लेगा, ऐसे ही रख देते हैं, ये लोग अपने आप ही बाहर आएगा।
मांका एंड रियो राजा है इस फार्म का, और अभी अभी मोलक्कन का जो फीमेल है इसको भी छोड़ देते हैं। अरे लगेगा ना, क्या कर रहे हो? ओए वो देखो लंबा डॉन लगाया। वो देखो रियो करना, ठीक है एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा शायद लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। और अभी बाकी रहा ये इकलेक्टस और अमेजन, इन लोगों को फिलहाल यहाँ रख देंगे। मांका अमेजन का जो पेयर है पूरा से पूरा एडल्ट हो चुका है, ब्रीडिंग के लिए रेडी है, तो इन लोगों को डायरेक्टली एकदम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ सारे लकड़ी को तो काट दिया है, हाँ होल भी बना दिया है। संजय इसको थोड़ा सा अभी रिपेयर कर देना है, ठीक है ना? चलो ओ निकल गया बाहर, एक ब्लू फॉन्टेड अमेजन है और ये भी ब्लू फॉन्टेड है, तो तुम भी जाओ निकलो। हाँ मिल गया रास्ता, ओ निकल गया दोनों। और बाकी रहा वो इस लिखता है, चलो 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 इस साइड में आ गया। चलो अभी इस लिखता को फिलहाल यहाँ रखते हैं कुछ टाइम के लिए। रियो एंड मांका इतना बदमाशी कर रहा है, दोनों चला गया। मांका रियो क्या कर रहे हो तुम लोग? हम मांका ऐसे कोई किसी को डराता है? मांका हाँ क्या हुआ? चलो जाओ चुपचाप वहाँ जाके बैठो, जाओ तो छोड़ दिया है सबको जिनको यहाँ छोड़ना था। चलो 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 वो देखो डीआरआई क्या कर रहा है। हाय अरे क्या कर रहे हो तुम? कोई किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करेगा, सब चुपचाप आराम से मिलजुल के रहना है, ठीक है ना? हाँ सब समझता है और बात में सबसे ज़्यादा टाइम भी यही करता है। हाँ तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दूसरा फ्रेंड्स और लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद उसका बगल का बेल आइकन भी दबाना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल कम तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाबा फ्रेंड। एक्चुअली तपंदा हर रोज इन लोगों को खाना डालते थे बस, तो देखो तपंदा वहाँ से चल के आया और सब पीछे पीछे। तपंदा जिस साइड में जाएंगे देखो देखो, सोचा कि हाँ अभी वहाँ से पानी लेने के लिए गया और यहाँ खाना देंगे। दादा पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, चलिए उसके बाद। वो देखो দেখুন তোমায় খুব মিস করছি আমরা।
চলো ফার্স্টে একদম মানে ওটা চর্বি হয়ে গেছে মানে দারুণ।